नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व और मेरे साथ मौजूद है नम्रता। हम आपको बड़ी खबर बताने वाले हैं। बड़ी खबर दरअसल हरियाणा टिकरी बॉर्डर से आ रही है। दिल्ली से जो जुड़ता है हरियाणा का बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर उसे कहते हैं, वहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि यहां पर जो बैरिकेड लगाए गए थे किसानों को रोकने के लिए, उस बैरिकेड की पहली लाइन जो है वो कई किसानों ने तोड़ दी है और वो अंदर घुस आए हैं दिल्ली की तरफ। पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि हजारों बल्कि मैं तो कहूंगा लाखों की तादाद में किसान हर एक बॉर्डर पर मौजूद है, तीनों बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बवाल वाली स्थिति बढ़ती चली जा रही है। माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है। 12 बजे तक का उन्हें समय दिया गया है नम्रता, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी थोड़ा सा वहां पर तापमान बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है। अब देखिए क्या है ना, इसकी उम्मीद अपूर्व पहले से की जा रही थी। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने, पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर तैनात किया था। तीनों बॉर्डरों पर उम्मीद थी कि किसानों को भले ही 12 बजे का वक्त दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से कल मैं ही देख रही थी गाजियाबाद वाला जो रूट है वो, उस पर इतनी भारी तादाद में ट्रैक्टर थे, उस पर बड़े बड़े बैनर्स लगे थे, उस पर बाकायदा नारेबाजी हो रही थी, तो उससे ही एक तस्वीर साफ हो रही थी कि जितने शांति मार्च इसको कहा जा रहा है, ये हो सकता है ऐसा ना हो, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कल कई किसान नेताओं ने ये कहा भी था कि ये जो शर्तें लगाई गई है ना दिल्ली पुलिस की तरफ से, हम इन शर्तों को नहीं मानेंगे। 12 बजे क्या तुक है रैली का समय देने का, यानी कि उनके कुछ किसान नेता, उनका जो पूरा धड़ा है, उनके जो समर्थक है, वो ये मानते हैं कि समय नहीं सही था, हम नहीं मानेंगे और फिर हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, वही दिख भी रहा है। अरे अपूर्व एक बात सोचिए ना, अगर उन्होंने 26 जनवरी की तारीख चुनी है तो कुछ सोचकर चुनी होगी। 12 बजे उनको टाइम दिया गया है जब परेड खत्म हो जाएगी। सब जानते हैं कि 26 जनवरी यानी कि भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों की ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। कोरोना काल में किस तरीके से भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस पर सभी की निगाहें हैं। अगर ऐसे में किसान पीछे हट जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा ना कि उनका नुकसान है, इसीलिए वो भी समझ लीजिए पूरी फुटेज वाली बात है कि हमें भी आना है, इस वक्त हमें भी दिखना है, तो अपना विरोध कर रहे हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस लीजिए। हालांकि कृषि मंत्री कह चुके हैं कि वो 1.5 साल के लिए इसको पोस्टपोन करने के लिए तैयार है, लेकिन जो किसान है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो जो जो अपडेट आती रहेगी अभी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि बैरिकेड की पहली लाइन जो है वो तोड़ दी है, अंदर की तरफ किसान घुस चुके हैं, हजारों की तादाद में यहां पर किसान मौजूद हैं। आगे जो भी होगा सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।